well friends very very good morning all of you welcome to success mantra by jay malik friends if you wish to be a real estate investor you can determine the value of ip before making a an offer Agar aap कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या फॉर पर्पस ऑफ ओन रेजिडेंशियल पर्पज़ है या कोई और अदर आई पी कॉमर्शियल पर्पज़ है रेजिडेंशियल पर्पस है और यू बिकम ए रियल रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स तो जिसमें लॉट ऑफ मनी इज अवेलेबल इनकम सोर्स काफ़ी है तो आपको कौन से फैक्टर यू विल हैव टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी बेस्ट वे टू एसेस ए प्रॉपर्टी वैल्यू ये टिप्स मैं बताऊंगा जिसमें देखिए ऐसा होता है कि जो आफ्टर ऑल यू डोंट वांट टू आप ओवर पे नहीं करना चाहेंगे और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको फ्यूचर में काफी इनकम जनरेट करेगी एप्रीशिएशन काफी है और लूज आउट भी नहीं होनी चाहिए तो गुड डील को छोड़ना नहीं चाहिए तो उसमें कौन से फैक्टर हैं व्हाट आर दोज फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी आईपी वेदर दैट इज ए होम हाउस के लिए है रेजिडेंशियल पर्पस कॉमर्शियल पर्पस वाट एवर बी पर्पस तो आइए ये सेवन पॉइंट्स हैं जिस पर हम गौर करेंगे तो हम एक अच्छी प्रॉपर्टी की डील कर सकते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे कि लोकेशन लोकेशन प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है देखिए अगर लोकेशन प्राइम एरिया है जहां पर मेट्रो एनसीआर का एरिया है डिमांड ज्यादा है तो वहां पर कॉस्टली होते हुए भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा इनकम जनरेट होगी क्योंकि डिमांड जो क्रिएट होती है वो जो लार्जर जो ऐसा एरिया है जहाँ पर आपका एन है ऐसी जगह फैसिलिटी ज्यादा हैं तो वहाँ पर जो वर्थ आईपी की वर्थ हमेशा ज्यादा होती है तो या कोई बड़े सिटी बड़ा सिटी है उसके जितना नियरर होगा उतना उसका वर्थ ज्यादा होगा तो सबसे पहले यू विल हैव टू सी द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच यू आर गोइंग टू परचेज और इन्वेस्टिंग परपज तो पहले लोकेशन लोकेशन में आपने ये देखा कि बिग सिटी के आसपास है नियरेस्ट जितना है उतनी वैल्यू हाई होगी तो हाई वैल्यू पर भी अगर आप खरीदेंगे तो भी वो कभी आपको हमेशा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेगी और उसकी जो एप्रिसिएशन है हमेशा बढ़ेगी दूसरा है प्रॉपर्टी साइज लार्जर साइज लार्जर साइज जहां पर बड़ा, बड़ा साइज है वो उसके मल्टीपल पर्पज के लिए वो यूज होती है और मोर स्पेस टू वर्क वहाँ पर आप कोई भी काम कर सकते हैं कोई छोटा मोटा उसी बिल्डिंग में भी कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी का साइज ये दूसरा फैक्टर है जो अभी ध्यान देना है तीसरा है जोनिंग जोनिंग क्या होता देखिए ऐसा जोन है डिमांडिंग जोन है जहां पर कोई हाईवे है या कोई एरोप्लेन एरोप्लेन का जो बनना है तो साइट होना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल इन, डेवलपमेंट फॉर कॉमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंस पर्पज़ के लिए जोन सेलेक्ट हुआ है या सेलेक्ट होने वाला है ऐसा उम्मीद है आपने पता कर लिया तो यहाँ पर रेट हाई होते हुए भी आपको अप्रीसीशन मिलेगा तो क्योंकि ग्रेटर डिमांड के कारण यहाँ पर जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सप्लाई सप्लाई इतनी कम होती है क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान होता है कि यहाँ पर अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है तो यहाँ पर डिमांडिंग एरिया कहलाता है चौथा पॉइंट है एज एंड कंडीशंस ऑफ द प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या एज है देखिए एज केस में कई प्रॉपर्टी ओल्डर होती हैं और कई न्यूअर होती हैं नई प्रॉपर्टी तो ओल्ड प्रॉपर्टी जो है वो रिपेयर्स रिपेयर्स डिमांड करती हैं नीड्स नीड्स रिपेयर एटसेट्रा रिपेयर रिनोवेशन इनकी जरूरत होती है तो इन सब का कंसीडरेशन करना है कि ओल्ड जिसमें रिपेयर की है कंडीशन प्रॉपर्टी की बहुत पुरानी है तो एज के हिसाब से भी उसकी वर्थ आती है जितनी पुरानी जो बिल्डिंग होती हैं पुराने जो भी ये मकान बिल्डिंग शॉप जो भी पुरानी है तो वो उनको रिपेयर की जरूरत है रिनोवेशन की वो खर्चा तो इनकी वर्थ लेस वर्थ होती है इनकी वर्थ कम होती है वैल्यू कम होती है इन कंपेरिजन टू न्यूअर नई की okay. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करके अगर आपको लगता है क्योंकि ये जो पुरानी है ओल्डर जो है ओल्डर जो प्रस हैं ये कई बार सस्ते मिल जाते हैं तो कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं इनको खरीद के और वो सारा वैल्यूएशन लगा लेते हैं कि इसके इतना खर्चा आएगा तो भी वो सस्ती पड़ती है तो उसको पुरानी को भी प्रायोरिटी कई बार देते हैं ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा तो अब है एम्यूनिटीज एंड फीचर्स देखिए ये बहुत जरूरी फैक्टर है कि जहाँ पर आप ये सब लेने जा रहे हैं बिल्डिंग तो कम से कम यहाँ पर वाटर इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ सर्विस एजुकेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सारी चीज़ें जो है ये करना चाहिए कि एम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सर्विसेज ये बहुत ज़रूरी है। हैं जो बेसिक चीज़ें हैं बेसिक नीड्स इसको कह सकते हैं बेसिक नीड्स हेल्थ एजुकेशन वाटर इलेक्ट्रिसिटी ये अवेलेबल हैं इजीली अवेलेबल हैं तो उसकी वर्थ हाई हायर वर्थ होगी हायर वर्थ इन कंपैरिजन टू जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ कम हैं जैसे कहीं पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या पानी पानी की प्रॉब्लम है पानी का टेस्ट ठीक नहीं है या पानी का लेवल इतना नीचे है कि वो पानी की स्केसिटी बन जाती है तो उस केस में वहाँ पर तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डाउन होती है और वो आगे भी बेचने में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये एम्यूनिटीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर क्या आप एक प्राइवेट गार्डनिंग कर सकते हैं स्विमिंग स्विमिंग पूल बन सकता है तो ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ के बेस पर होता है जहाँ जितनी फैसिलिटी हैं इजीली अवेलेबल हैं तो उस उस प्रॉपर्टी की वैल्यू वर्थ हायर होती है तो कंपेरेटिव देखिए कंपेरेटिव मार्केट एनालिसिस इसमें जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं कोई ऑफर मेक करते हैं बनाते हैं तो वहाँ पर कंपेरिटिव मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं इस पर ऑनलाइन भी आप एस्टिमेटर से जानकारी ले सकते हैं और दूसरे आप ये देख सकते जो तो नियर बाय में प्रॉपर्टी परचेज हुई हैं उनकी क्या किस रेट पर वो बिकी हैं सेल हुई है तो ये कंपेरेटिव मार्केट एनालिसिस भी करना जरूरी है और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट देखिए जहाँ पर एनवायरमेंट अच्छा लाइफ स्टाइल है तो पोल्यूशन फ्री एरिया है तो उस प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं पोल्यूशन फ्री हो और जहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है कई बार वॉइस पोल्यूशन भी होता है कि कई मंदिर मस्जिद में पूरा दिन भर माइक बजते रहते हैं तो डिस्टरबेंस होती है बच्चों की पढ़ाई में भी और हर तरह से भी आदमी पीसफुल्ली लाइफ नहीं व्यतीत कर सकता यह कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से एजिटेशन वहीं से शुरू होते हैं या वहाँ से जनरली एजिटेशन होते हैं तो भी वहाँ पर वॉइस पोल्यूशन रहता है तो कई बार ये भी देखा गया है कि आसपास या नियर कहीं पर भी हिप ऑफ गारबेज हैं ढेर लगे हुए फिर उनको जलाया जाता है तो आसपास का सारा पोल्यूटेड एरिया हो जाता है तो आज यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तो क्योंकि हर व्यक्ति लाइफस्टाइल अच्छा जीना चाहता है तो उसके लिए ये सेवन पॉइंट्स हैं ये देखिए कि जो इन्वेस्टर्स इन in, ये पॉइंट माइंड में रख कर के इन्वेस्ट करता है तो वो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाता है तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माई दीज फैक्टर्स दीज सेवन फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट वे टू एसेस ए प्रॉपर्टी वैल्यू तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या इन्वेस्ट करने के परपज़ के लिए या रेजिडेंशियल या कोमर्शियल कोई भी पर्पज़ है तो आपको ये सेवन फैक्टर्स माइंड में रखने होंगे तभी आप प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी ले पाएंगे जो आपको अप्रिसिएशन देंगे जय हिंद